अस्सलाम वालेकुम, कैसे फ्रेंड्स। आज मैं मौजूद हूँ यम्बो में और हम यहाँ पे आए हैं बोटिंग करने। तो आपको दिखाते हैं ब्लॉग। मेरे साथ एज यूजुअल मौजूद है मेरी वाइफ। ऐसा लगा, बहुत प्यारा व्यू है, देखें। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो अभी इंशाल्लाह शुरू हुई है, अभी तो सुबह मॉर्निंग है। और वो देखें, वो हमारा फ्रेंड है, शायद बहुत दूर है, नज़र आ रही। तो ये देखें माशाल्लाह, मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि इतना कभी पानी के सेंटर में आया नहीं मैं। तो ब्रिज पे तो है, लेकिन ये बोट सारी खड़ी हुई है। अभी देखते हैं इनमें से, आगे आपके साथ शेयर करते हैं। और व्यू वाकई, अभी समझ लें मॉर्निंग क्या है, अभी सुबह 6:30 हुए हैं, ठीक है। हम लोग निकले हुए रात के, और बस समझ लें सारी रात हमारी जाके गुजरी है। तो बस अभी पहुंचे हम यहाँ पे। अभी तो हाँ ब्रेकफास्ट लिया हुआ, दिखाओ। ये भी पराठा चने लिए हैं, देसी अपना नाश्ता करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये बोट है, अच्छा ये बोट है जी, ये बोट है। और अभी आगे का भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो बस रात को हम लोग निकले, तकरीबन हमें 2 बज गए थे, बस ऑफिस से आके तैयारी की निकला हूँ मैं, और फिर टैक्सी ली वहाँ से और इधर जम्बो सुबह पहुँचे। और पानी के सेंटर में थोड़ा सा जीज लग रहा है, फर्स्ट टाइम इधर आए हैं पानी में। तो इंशाल्लाह शेयर करते हैं, तो 2-3 चीज़ें हैं और आपसे एक्सप्लोर करते हैं इंशाल्लाह सादरी का हमारे। और हो सकता है शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो, तो मैं 2-3 पार्ट्स में बना दूँगा। तो अब यहाँ पे एक ओल्ड सिटी है, वो तो शाम को जाएंगे वहाँ पे। और इसके अलावा मतलब 2-3 चीज़ें हैं पार्क वगैरह, अलग अलग मैं ब्लॉग्स में शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह। नहीं जी, हो गई है स्टार्ट। और अभी चले हैं, आपको मिलवाता हूँ मैं अपने फ्रेंड से। हाँ जी, आ जाओ। बिस्मिल्लाह, आ गई। चलो जी, आ जाओ यहाँ पे बैठो। और जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ जी, हमारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, और ये बोट है इनकी, और ये टूरिस्ट गाइड। जी है जी, इनका नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, अबू माजिद। और ये इनका जो नाम है कंपनी का, नज़ार लुइस जलब। और ये देखो, ये इंशाल्लाह अगर आप भी इधर जम्बू आए तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। तो अभी बस हम राइड के लिए तैयार हो रहे हैं। इंजन स्टार्ट हो गए और ये चल रहा है। अच्छा, पानी का कलर यहाँ पे बड़े ग्रीन टाइप का नज़र आ रहा है, तो इसमें इतना नहीं नज़र आ रहा जितना मुझे रियल में देखने में लग रहा है। अभी जाएंगे हम थोड़ा सा समुंदर के सेंटर में। यहाँ पे ऐसे ये क्लियर सीन आ रहा है यहाँ से। हाँ जी, कैसा लग रहा है जैकेट पहन के? नहीं, अच्छी बात है सेफ्टी के लिए। और ये बर्फ का ध्यान रखना, नीचे अच्छा नीचे कहीं रख लो आप साइड पे, नाश्ता जी उधर जा खाएंगे। और ये थोड़ा चल पड़ी है। और ये देखें जी, कितना प्यारा व्यू लग रहा है। अभी ये टाइम है ना, ये अच्छा इस टाइम इतनी कुछ ज़्यादा ना लहरें नहीं होती। तो अभी उधर जा रहे हैं, अभी पता नहीं शायद इधर से महल पेट्रोल डलवाएंगे। ये जी महत्ता बंजीन बना हुआ है, और ये मैं आई थिंक उधर ही जा रहे हैं शायद। ये देखें, ये महत्ता बंजीन बना हुआ है। ले जी, हम चल पड़े यहाँ से। और ये देखें माशाल्लाह पीछे का मंजर, सुबह हो रही है लेकिन बादलों की वजह से नज़र नहीं आ रहे। और ये बड़ा ही खूबसूरत मंजर है, अभी थोड़ी स्पीड तेज़ होती जा रही है ऐसे ऐसे। हाँ जी, और ये देखें जी, हम माशाल्लाह आगे आ गए। मतलब उधर सिक्योरिटी का थोड़ा सा था, इस वजह से मैंने उधर की रिकॉर्डिंग नहीं करा था। पानी और माशाल्लाह
सनराइज है और ये बैठी है हमारी बेगम नाश्ता नहीं करना सही है। और ये इधर का आपको पीछे का भी व्यू दिखाता हूँ, इसका फ्रंट का व्यू मिल जाए क्या ये है ना। इधर आओ आओ से ध्यान से जरा كيف معلوم هذا حد فين من هذا لا لا فين جهاز جهاز يعني نتكلم هنا ما في معلوم فين طريق فين يمين يسار هذا انت حد كم 40 كه رہا ادھر 40 میٹر گہرا ہے مطلب 120 فٹ تو یہ رسی نیچے ڈالی وجہ سے وہ اینکر ڈالتے ہیں نا اسی طرح اینکر ہاں اینکر ڈال دیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ 200 میٹر ہے ये बस लगा रहे हैं अभी यहाँ पे हम खड़े होकर तो फिशिंग की कोशिश करेंगे शायद कुछ हाथ लग जाए आज और अभी सुबह का टाइम है देख रहे हैं उधर बड़ा प्यारा व्यू आ रहा है। इसकी बात नहीं कर रहा मैं उसकी बात कर रहा हूँ सुबह की। ये देखें इतना प्यारा व्यू आ रहा है अभी सूरज जो है ना वो निकला हुआ काफ़ी लेकिन बादलों की वजह से ना फिर भी मौसम ठंडा है। और ये देखें जी ये फिशिंग वो निकाल रहे हैं ट्राई करेंगे अव्वल मरा सोवी अयो शो आ रहा है इसमें लगा के वो कह रहा है ना अयो अब समका अयो वेर मिकेने बस लेन मा हादा फी वक्फ बादेन अरफा मीटर अयो वो कह रहा है कि इसको लगा के ना कि पीस तो नीचे फेंक दे जब बिल्कुल जमीन पे लग जाए तो फिर तकरीबन एक मतलब 3 फुट तकरीबन ऊपर उठा ले मीटर उसके साथ इन्होंने वेट के लिए भी बनाए हैं ताकि नीचे ले जाए। अब इस पर लगाते हैं हम इसके साथ अब वो कहते हैं ना वो सहसा पैसे को खींचता है और यहाँ पे देखें जी इससे अब जो है ना ये मछली मछली को खींचेगी वो देखो कैसे दुम कर रही है माशाल्लाह ये एक पकड़ी हुई है ठीक है खुशी उधर आई मैं पकड़ी अब मैं जीत बहुत प्यारा कलर है वंस मोर आदा रेड रेड ऑरेंज आदा बेबी ये देखो अभी हम एक और बना रहे हैं। अच्छा सारी ऑरेंज रेड आ रही है जैसी वो मतलब नॉर्मल कलर की होती है ना वो वाली नहीं है। चल अभी मैं इसको ट्राई करूंगा बिस्मिल्लाह चलें अल्लाह करे आ जाए हाँ
ये देखें आपको चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे परिंदे, जो वो परिंदे खाते हैं ना मछलियाँ ऊपर ऊपर से पकड़ के, ये देखें क्लोजअप करके दिखाते हैं, ये देखें ये यहाँ से मछलियाँ खा रहे हैं उड़ उड़ के, ये देखें माशाल्लाह, देखें अल्लाह की कुदरत, परिंदे समुंदर में से मछली पकड़ के ऊपर ऊपर से उसमें खा रहे हैं। हाँ वो देखो कितनी मछली वहाँ पे, छोटी छोटी सी मछली है वो, अच्छा डुबकी सी लगाते हैं हल्की सी और उड़ भी जाते हैं परिंदे। ये देखो नीचे, ओ वाकई इधर से नजर आ रहा है, इधर बैठ के देखता हूँ मैं, जरा डरता मुझे भी लग रहा है। और ये देखे जी नीचे पानी में आपको, हाँ ये पत्थर भी है नीचे, नीचे पत्थर नजर आ रहे हैं और वो क्या जड़ी बूटियां टाइप लगी हुई है वो भी नजर आ रही है इसमें। कलर वो दो तीन कलर के है ना, ब्राउन और येलो ग्रीन टाइप है, तो इस वजह से ब्लू नहीं है, असल में डीप सी ब्लू ही होता है, ले रहे हैं वो। ये देखो इसमें से ये नजर आ रहा है, यहाँ पे साथ ही ब्लू आ गया। टेलीस्कोप जी वो कह रहे हैं, इससे देखें ये सेम लाइक टेलीस्कोप है जुआ मोए। हाँ वाकई जबरदस्त, इससे तो ये देखें नीचे देख रहे अंडर वाटर जो क्या क्या कुछ है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, वाटर में जूम करके नजर आ रहा है। इधर आओ देखो आप भी, ये देखो उसमें छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं। हाँ कितना क्लियर है, जूम करके छोटी फिशेस भी हैं। हाँ फिशेस भी हैं, और वो देखो वो वहाँ पे ब्लू पानी है, हाँ जी, और ये जड़ी बूटियाँ टाइप बनी हुई है यहाँ पे, मैं क्लियर नजर आ रहा है। वो छोटी छोटी फिश भी जा रही थी, बस पकड़ लो चक्कर आना चल रहा है। जी और अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गए खैरियत से, और ये हमारे साथ मौजूद हमारे कैप्टन अबू माजिद, और इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, जो भी जंबो में आए और वो कहते हैं यहाँ पे अगर जो है कश्ती को हायर करना चाहें तो वो इनसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मेरा नाम लेंगे तो डिस्काउंट भी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे और अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Oh, oh, oh.